हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड का पाठ नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं। एलियन मेजी और बच्चे। पाठ के बारे में क्या लिखा हुआ है? बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, लेकिन अक्सर हम पत्रिकाओं में पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन होने की बात पढ़ते सुनते हैं। प्रस्तुत कहानी में दूसरे ग्रह से आया प्राणी हमें क्या शिक्षा दे रहा है, पढ़िए और जानिए। अब हम इसको पढ़कर जानते हैं कि दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी हमें क्या शिक्षा दे रहा है। होली फैथ बाल विद्यालय के बच्चे पिकनिक मनाने दिल्ली के ओखला पक्षी विहार में आए थे। होली फेथ बाल विद्यालय हो गया स्कूल। यहाँ इस स्कूल के होली फेथ बाल स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने एक अनोखे पक्षी विहार में ओखला पक्षी विहार में आए थे। ये पिकनिक कुछ अलग थी। उन्हें यहाँ एक रात और एक दिन के लिए रुकना था। उनके रहने के लिए छोटे छोटे तंबू लगाए गए थे। तंबू मीन्स के टेंट लगाए हुए थे। एक तंबू में चार बच्चों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। व्यवस्था होता है इंतज़ाम। पांच अध्यापक अध्यापिकाएं व दो चौकीदार भी साथ में थे। घर से दूर खुले आकाश के नीचे रहना बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। चारों ओर हरे बड़े पेड़, रंग बिरंगे फूल, चहचहाती चिड़िया और सुहाना मौसम। दिन भर वे कभी रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ते, कभी अपनी दूरबीनों से विभिन्न प्रकार की चिड़ियों को देखते। शाम होते ही सभी अपने अपने तंबू में लौट आए। कपड़े बदल कर सबने रात का खाना खाया। फिर सभी घेरा बनाकर बैठ के मतलब गोल गोल ऐसे साथ में बैठ गए। चांदनी रात थी। हंसी मजाक करने, बातें करने, नाचने गाने में सबको बड़ा मज़ा आ रहा था। तभी अलीशा चिल्लाई, वे देखो आसमान में दो दो चांद। सभी आसमान की ओर देखने लगे, मगर ये क्या, एक चांद तो धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। देखते ही देखते वे चांद धरती पर उतर आया। सब लोग भागकर एक तंबू में घुस गए। अरे, ये तो एक उड़न तश्ती है, अलीशा ने कहा। फिर उड़न तश्ती नहीं, अंतरिक्ष यान, सौरभ फुसफुसाकर बोला। इतने में यान से एक अजीब सा प्राणी उतरा। ऐसा लग रहा था वह चल नहीं बल्कि हवा में तैर रहा है। प्रिया बोली, अरे ये तो कोई एलियन है, दूसरे ग्रह का प्राणी। ये तो कोई एलियन है जो दूसरे ग्रह से आया हुआ है। वह एलियन एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी एक चमत्कार हुआ। बरगद का पेड़ होता है, उसके बड़े मोटे और बड़े बड़े पत्ते होते हैं और उसका फल गोल गोल नींबू की तरह गोल होता है। उसका फल वो होता है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ मनुष्यों की तरह बोलने लगा। मनुष्य हो गया इंसान और बरगद का पेड़ क्या हुआ, इंसान की तरह बोलने लगा। मेजी हमें बचाओ। किसको बोलने लगा, जो दूसरे ग्रह से प्राणी आया हुआ था मेजी, उसको बोलने लगा हमें बचाओ, हमें यहाँ नहीं रहना है, मानव हमें काट रहे हैं, हमें अपने साथ ले चलो। मेजी ने अपनी भाषा में कुछ कहते हुए अपनी बहुत सारी उंगलियों को लंबा करके जंगल के पेड़ों को छुआ। सभी पेड़ एकाएक होता है कि अचानक से बहुत छोटे हो जाना। अचानक से वे अपनी जगह से उखड़े और मनुष्य की तरह चलते हुए यान में जाने लगे। कुछ ही देर बाद सारा जंगल गायब था। पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षी धरती पर आ गिरे। मेजी ने उनमें से एक गिलहरी को बड़े प्यार से अपने हाथों में उठा लिया। बरगद की ही तरह वह गिलहरी भी बोलने लगी, मेजी हमें भी अपने साथ ले चलो। यदि पेड़ ही ना होंगे
हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? ज़मीन पर पड़े अन्य पशु पक्षी भी चिल्लाने लगे, मेजी हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम इन लालची मानवों के साथ नहीं रहना चाहते, ये केवल अपने बारे में सोचते हैं। मेजी के इशारा करते ही पशु पक्षी भी छोटा होकर कतार बनाकर यान में चढ़ने लगे। कतार होता है कि एक लाइन बनाकर वो अंतरिक्ष यान जो था उसमें चढ़ने लगे। देखते ही देखते पूरी धरती वीरान हो गई, वीरान हो गई मतलब सुनसान हो गई, खाली हो गई। अब केवल ऊंचे नीचे छोटे बड़े मकान ही मकान नज़र आ रहे थे। सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे मेजी के साथ चलने लगे और वहाँ पर सिर्फ मकान ही बचे थे। बच्चों का दम घुटने लगा, वे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। सभी पेड़ पौधे चला गए तो वे सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहे थे। आरव को अपने दादाजी की बात याद आई, पेड़ हमारा जीवन है, पेड़ नहीं तो हम नहीं, इसलिए हमें कभी पेड़ नहीं काटने चाहिए। आरव बिना डरे दौड़कर एलियन मेजी के पास पहुंचा, बोला, मेजी हमें हमारे पेड़ और पशु पक्षी लौटा दो, ये हमारा पृथ्वी लोक है, तुम्हें हमारे पेड़ पशु पक्षी छीनने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आरव की बात सुनकर मेजी मुस्कुरा कर बोला, दोस्त तुम्हारा पृथ्वी लोक में छोड़े जा रहा हूँ, अब तुम यहाँ पर चैन से रहो, जिंदगी जितनी गंदगी फैलाना चाहो फैलाओ, चाहे कुछ भी करो। आरव ने कहा, मगर पेड़ों के बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे? मेजी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम ये बात जानते हो तो पेड़ों की देखभाल क्यों नहीं करते, उन्हें काटते क्यों हो? क्या तुमने कभी पेड़ों को अपना दोस्त समझा है? हमें ये पेड़ पौधे पशु पक्षी बहुत प्यारे हैं, हम इन्हें अपना दोस्त भाई बंधु समझते हैं, बंधु हो गया भाई दोस्त। आरव ने कहा, मेजी पृथ्वी के लोग भी पेड़ों की पूजा करते हैं, मेरी दादी तो रोज़ तुलसी जी और पीपल पर जल चढ़ाती हैं। मेजी हंसकर बोला, और तुम लोग जो इतना प्रदूषण इतनी गंदगी फैलाते हो उसका क्या? तुम लोग केवल एक दिन के लिए यहाँ आए तो देखो ये कितनी गंदगी यहाँ कितनी गंदगी फैला दी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, एक कोने में कागज़ की प्लेटें, प्लास्टिक के गिलास, चिप्स, टॉफ़ी के रैपर, टिश्यू पेपर और भी ना जाने क्या क्या। आरव अपनी गलती समझ गया, उसने मेजी से कहा, मेजी हमें साफ़ कर दो, मेजी हमें माफ़ कर दो, हम आज से न खुद गंदगी फैलाएंगे और ना किसी को फैलाने देंगे, ये हमारा तुमसे वादा है। अब तक बाकी लोग भी तंबू से बाहर आ गए थे, सबने मेजी से प्रार्थना की कि मेजी हमें माफ़ कर दो, हमें हमारे पेड़ पौधे पशु पक्षी लौटा दो। सबको माफ़ी मांगता देख मेजी ने यान का एक बटन दबाया, सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी कतार बनाकर अपनी अपनी जगह आ गए। जंगल फिर से हरा भरा और सुंदर दिखाई देने लगा। मेजी ने बच्चों से कहा, दोस्तों मुझे खुशी है कि तुम पेड़ पौधों का महत्व जानते हो, मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं पृथ्वी के सभी बच्चों को ये शक्ति देता हूँ कि वे हमेशा आसपास साफ सफाई रखें, अब आने वाले समय में उनकी दुनिया बहुत ही साफ सुंदर और हरी भरी होगी। ये कहकर मेजे यान पर बैठकर अपनी दुनिया में लौट आया। सभी बच्चे अपने काम में लगे, सोने से पहले उन्हें सफाई जो करनी थी अपनी दुनिया सुंदर बनाने के लिए, इसीलिए हमें पेड़ पौधे कभी नहीं काटने चाहिए और हमें हमेशा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो हम हैं। धन्यवाद।